हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को किस तरह कम दिनों में क्रैक किया जाए। ओके, टॉपिक का नाम है मेरे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, मेरा एम है 32 मार्क्स। ओके, सबसे पहला मेरा एम है 32 मार्क्स कैसे लाए। तो मेरे हिसाब से 32 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले जो टॉपिक लेना पड़ेगा वो है मेरे हिसाब से फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कीजिए, आपको इसमें से आसानी से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फोरकास्ट दो टॉपिक है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड और एक क्वालिटेटिव मेथड। ओके, इसमें दो टॉपिक्स है। ओके, इसमें टू टॉपिक्स है, दोनों टॉपिक सिंपल है। अभी दोनों टॉपिक कीजिए, आप आसानी से पास हो सकते हो। ये इस टॉपिक के ऊपर एंड पूरे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर मेरे पीडीएफ नोट्स एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है ऑन माय वेबसाइट www.qualitytutorial.in पर, और यू कैन व्हाट्सएप मी। सो आई विल कैन गिव यू द पीडीएफ फाइल्स। ओके, ये हो गया आपका फोरकास्टिंग। हाँ, फोरकास्टिंग के बाद में जो बोला टॉपिक वो है मेरा सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग कीजिए, अगेन यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल सकता है सिक्वेंसिंग में। इसमें मेथड्स है, मतलब केसेस है, केस वन, केस टू, केस थ्री, एम मशीन प्रॉब्लम, एन मशीन प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से 10 मार्क, यहाँ से 10 मार्क आप ले सकते हो। नाउ उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ टॉपिक वो है इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो आप इस टॉपिक को, इन्वेंटरी कंट्रोल को सबसे पहले ले सकते हो बिफोर द फोरकास्टिंग। इसमें भी मॉडल्स है, इसमें भी 3 मॉडल्स है। इस पे हमेशा 10 मार्क्स फिक्स, ये जो है मैंने ग्रीन किया यहाँ पे मार्क्स को, ये करना ही आपको। इसमें 10 मार्क्स आपको फिक्स ही आते, फिक्स मतलब फिक्स। मुंबई सिटी में इन्वेंटरी कंट्रोल के सम्स हमेशा आते और बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं इसके। नो, इन्वेंटरी कंट्रोल के बाद आपको जो टॉपिक करना है वो है असाइनमेंट। और असाइनमेंट या फिर एमआरपी के सम एक पेपर छोड़ने के बाद एक पेपर में आते, कभी दो पेपर के बाद आते, बट आते सम इसके एमआरपी के सम। एमआरपी के सम सिंपल होते, इसमें से आपको 8 to 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बेटर वे आप क्या कीजिए, इन्वेंटरी के बाद एमआरपी लीजिए, आपको समझेगा प्रॉपर। एमआरपी एक चार्ट रहेगा, फ्लो प्लान रहेगा प्रोडक्शन प्लानिंग का, कि किस तरह प्लानिंग करते हैं। दिस इज फॉर द इंडस्ट्रियल फील्ड में फॉर प्लानर, एक पोस्ट होता है प्लानर करके, प्लानर लोग यूज़ करते शीट को। मतलब इनका प्लान होता है कि ये असेंबली कब करना है, कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, और मटेरियल कब आ रहा है, और कितना मिनिमम क्वांटिटी होता है मंगाने का। एग्जांपल, मुझे एक असेंबली करना है, वो असेंबली में मुझे एक ही नट लग रहा है M36 का, जो कि रेयर होता है। तो प्लानरों को पता है कि M36 बोल्ट मंगाना है, तो M36 बोल्ट के लिए मेरा मिनिमम क्वांटिटी होगा वो होता है 100 पीस का। तो वो प्लानर को 100 पीस मिनिमम मंगाना है, भले ही उसे एक पीस लग रहा हो असेंबली में, बट उसे 100 पीस मंगाना है। ओके, ये होता है एमआरपी के बारे में। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, अभी असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, ये भी इजी है बट लेंदी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आपने देखा होगा आजकल जो चल रहा है ओला एंड ऊबर, ओला वाले सेम इस तरह के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी टॉपिक है, बट मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ट्रांसपोर्ट मेन तो होगा ट्रांसपोर्टेशन में, जो टॉपिक है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, बट एक सिंपल के लिए बता रहा हूँ। असाइनमेंट मतलब कि असाइनमेंट का जो टॉपिक है, एग्जांपल उसमें कैसा होगा असाइनमेंट टॉपिक में, कि 3 बस रहेंगे और 3 ड्राइवर रहेंगे, उनके एफिशिएंसी दिए रहेंगे। तो आपको असाइन करना है कि कौन सा बस कौन किस ड्राइवर को जाएगा। सेम वैसे ही मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है कंपनी में, मेरे 4 प्रोजेक्ट में मेरे पास 4 इंजीनियर्स है,
तो चारों में से सबसे अच्छा एफिशिएंट कौन है और किसको जाएगा, उसके लिए मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम करता हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम सिंपल है बट ऑल्सो है टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा, ये हो गया यहाँ पे 32 मार्क्स, जिसको अर्न करना है। फोरकास्टिंग कीजिए, सिक्वेंसिंग कीजिए, इन्वेंटरी कंट्रोल कीजिए, असाइनमेंट कीजिए, MRP कीजिए और थेरी कीजिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट पास। ओके, 32 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगेन फॉर थेरी आप जाइए मेरे वेबसाइट पे qualitytutorial.in, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहे वहाँ पे टॉपिक नोट्स आपको, तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी एट माई नंबर 9833535305। ओके ना, उसके बाद जो टॉपिक मिल रहा वो है CPM एंड पर्ट। CPM एंड पर्ट ये दो अलग अलग टॉपिक है। CPM के साथ आपको 6 मार्क्स लगाते हैं और पर्ट जो इसका आगे का वर्जन होता है, क्रिटिकल पाथ मेटर, प्रोग्राम रिव्यू टेक्निक करके टॉपिक है इसका, तो ये दोनों मिला के 10 to 15 मार्क्स आते हैं। इस पे आपको थेरी भी आती है, ये टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक पे आपको थेरी भी मिलती है। ये भी अच्छा टॉपिक है सॉल्व करने के लिए, जो कर रहे हैं, जिसको 50 50 मार्क्स लाना है, 50 मार्क्स जिसे लाना है PPC में, वो लोग ये टॉपिक कर सकते हो। CPM बट बेस्ट है, सिंपल है, थोड़ा टाइम लगता है, ट्रिकी है। ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, आई विल हेल्प यू टू कम आउट। नाउ CPM बट होने के बाद आई विल चूज LPP। देखो मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, LPP। टाइम है तो करो, नहीं तो मत करो। और सिंप्लेक्स मेथड, टाइमिंग बोर्ड टाइम कंज्यूम, सिंप्लेक्स मेथड। उसके आगे आता है बिग एम मेथड। आपके अच्छा खासा टाइम है, आपने पढ़े से पहले से पढ़ाई किया है, तब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए टॉपिक को। बिग एम मेथड इसमें भी दो टाइप में होते हैं, इसमें एक सिंपल सम के टॉपिक होते हैं, बिग एम नहीं सॉरी, ये सिंप्लेक्स में सिंपल होते हैं, और एक थोड़े हार्ड वाले होते हैं। इसमें भी आप ग्राफिकल मेथड है, यहाँ पे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे। नाउ एंड में जो आता टॉपिक वो मैं आपको बोलूँगा ट्रांसपोर्टेशन। जिसने ओआर लिया हो वो लोग कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए ट्रांसपोर्टेशन भी। और थेरी, जो थेरी आपको मिलेगी, आपके जो थेरी नोट्स रहेंगे मेरे, आपको वहाँ से आपको थेरी मिल जाएगी, जो कि मैंने शॉर्ट आउट किया हुआ है पूरे यूनिवर्सिटी के 2002 से अभी तक के पेपर के। ओके सो अगर किसी को कुछ डाउट है अदर देन दिस, तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी। ओके सो हैव ए नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।